विधानसभा चुनाव करीब आते ही बिहार में शुरू हो गई प्रेशर पॉलिटिक्स। बिहार में रामविलास पासवान की डिमांड से क्यों बढ़ी बीजेपी की टेंशन? बिहार में भले इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन प्रदेश में अभी से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम गठबंधन में सीटों को लेकर नेताओं ने दबाव की रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। एनडीए के सहयोगी रामविलास पासवान की पार्टी ने अपनी डिमांड से बीजेपी जेडीयू नेताओं की टेंशन को बढ़ाकर रख दिया है। दरअसल बिहार में एनडीए के सहयोगी एलजेपी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। एलजेपी ने दावा किया है कि उनका स्ट्राइक रेट जेडीयू से भी अधिक है, लिहाजा उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पार्टी नेता पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी जेडीयू से साफ कहा है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में कम से कम 42 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी 42 सीटों पर लड़ी थी। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के बीच बराबरी का बंटवारा हुआ था, जिसके तहत लोकसभा की 17-17 सीटें दी गई थी। वहीं हमारी पार्टी को 7 सीटें मिली थी, लिहाजा 2020 में भी उसी फॉर्मूले को लागू किया जाना चाहिए। उस फॉर्मूले के तहत एलजेपी का 42 सीटों पर दावा बनता है। उन्होंने कहा कि हमारी बराबरी की हिस्सेदारी है। पारस के मुताबिक एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें होती है। पिछली बार भी विधानसभा में एलजेपी को 42 सीटें मिली थी और इस बार भी हमारी मांग यही रहेगी। बकौल पारस, एलजेपी के सैकड़ों उम्मीदवार तैयार हैं। ऐसे 119 सीटें हैं जहां पर जेडीयू और बीजेपी की सीटिंग नहीं है। महागठबंधन के लोग हैं, वहां हमारी तैयारी है। देश भर की जो रिपोर्टिंग आई है उसमें एलजेपी का वोट पहले नंबर पर है। इतना ही नहीं, पारस ने जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के सीट बंटवारे के उस फॉर्मूले को भी नकार दिया है, जिसमें पीके ने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का हवाला देकर 2020 में भी टिकट बंटवारे की बात कही थी। उस वक्त जेडीयू 142 सीट पर और बीजेपी 100 सीट पर चुनाव लड़ी थी। तब एनडीए के साथ एलजेपी नहीं थी। पीके के फॉर्मूले के मुताबिक अगर बीजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ती है तो 1.4 सीट पर जेडीयू, यानी लगभग 1.5 गुना सीट। वहीं उन्होंने कहा था कि अगर 2010 के फॉर्मूले पर किसी को ऐतराज है तो 2015 के विधानसभा चुनाव परिणाम के हिसाब से टिकट बंटवारा हो। हालांकि एलजेपी की इस प्रेशर पॉलिटिक्स का उसे कितना फायदा मिलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।